और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के चमोली से। आपको बता दें, चमोली के तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर के टूटने से धौली नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है और पानी के तेज बहाव में कई छोटे पुल बह गए हैं और प्रशासन ने आसपास के इलाके को खाली करा लिया है। एहतियातन जितने कदम उठाए जा सकते हैं वो इस वक्त उठाए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भयंकर बाढ़ आई है। News 24 की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्लेशियर के टूटने से धौली नदी में ये भयंकर बाढ़ आई है और आसपास के जितने भी छोटे पुल थे बताया जा रहा है वो सभी बह गए हैं। चमोली में ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है और इस वक्त एहतियातन किनारे बसे हुए लोगों को हटाया जा रहा है वहां से, और आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां भी पहले से ही बता दिया गया है कि बाढ़ की स्थिति है और आप सभी वहां से हट जाएं। तो भारी तबाही की आशंका इस वक्त जताई जा रही है जिस तरह से चमोली में ग्लेशियर टूटा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आवाजें भी सुनी जा सकती हैं कि तबाही से पहले लोग काफी घबराए हुए हैं और कितनी भयंकर बाढ़ है ये बताया जा रहा है कि जो धौली नदी है उसमें एक ग्लेशियर टूटा है और उस ग्लेशियर के टूटने की वजह से ये भयंकर बाढ़ आई है। अगर स्थिति को वक्त पर नियंत्रण नहीं किया जा सका तो भारी तबाही आ सकती है उत्तराखंड में, लेकिन प्रशासन इसे लेकर पूरी तरह से सचेत है और आसपास के इलाकों में अब लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार है प्रशासन और मौके पर अधिकारी पहुंच गए हैं, प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं स्थिति का मुआयना लेने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से, अचानक बाढ़ आने से कई छोटे पुल बह गए हैं और इन पुलों के टूटने का मतलब है कि संपर्क लोगों का मुख्य रास्तों से टूट जाएगा। ये बाढ़ इतनी जबरदस्त थी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि धौली नदी किस तरह से उफन रही है और कहा जा रहा है कि ये एक भारी तबाही लेकर ये बाढ़ आ सकती है। और मौके पर अब SDRF की टीम पहुंच गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, क्योंकि इन इलाकों में कई लोग भी आसपास बसे हुए हैं और उन्हें वहां से रेस्क्यू करना, उन्हें हटाना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। अधीर यादव जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ। अधीर, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, SDRF की टीम में पहुंच गई है, क्या कुछ किया जा रहा है हालात को काबू में करने के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि SDRF की टीम और जो जिला प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू जारी कर दिया गया, शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ लोगों को हिदायत दी जा रही है कि नदी के आसपास के क्षेत्रों में ना रहें, नदी के आसपास ना रहें। और जो यहाँ से नीचे जो जिले हैं जैसे श्रीनगर और ऋषिकेश और हरिद्वार के लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ बोला गया है कि पानी से दूर रहें। और DM अभी जो यहाँ की DM है, चमोली DM है, वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और रेस्क्यू कार्य अभी लगातार जारी है।